अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअला आलिका वअसहाबिका या हबीब अल्लाह वअला आलिहि वसहाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअला आलिका वअसहाबिका या नूर अल्लाह वअला आलिका वअसहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। आप जानते होंगे इस प्यारे से प्रोग्राम में होता क्या क्या है मेरे ख्याल से बताने की जरूरत तो नहीं है। चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam। सुभानअल्लाह हमने दुरूद पाक सुना। आज दुरूद पाक की फजीलत को अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में शामिल करते हैं अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम का फरमान है जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा इसके 10 गुनाह मिटा देगा और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाएगा। जो कितनी प्यारी हदीस पाक है ना, 10 गुना भी उसके मिटा देगा जो दुरूद पाक पढ़ेगा, 10 दर्जात भी बुलंद फरमा देगा और 10 रहमतें भी नाजिल फरमाएगा। तुम क्यों ना पढ़ें सल्लू अलैल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे के नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए आमीन। तो जी माशाल्लाह प्यारे बच्चों अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है कलाम। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका حبيب الله اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کون ہے میں تم سا کوئی نہیں والله کوئی
जी प्यारे बच्चों और किड्स मदर से के नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम तो जी प्यारे बच्चों और किड्स मदर से के नाज़रीन अपने सेगमेंट शामिल कर लिया है ना हमने जिसका नाम है आसान सवालात। पहला सवाल है टीम ए से अल्लाह पाक के प्यारे नाम अल मतीन का क्या मीनिंग है? कुव्वत वाला, हुकूमत वाला, खूबियों वाला। जी कुव्वत वाला, कुव्वत वाला। देखें दोबारा ऑप्शन देता हूँ, कुव्वत वाला, हिकमत वाला या खूबियों वाला? कुव्वत वाला, कुव्वत वाला। चले बराबर में दें, कुव्वत वाला। चले आप भी बता दें, कुव्वत वाला, कुव्वत वाला। और आपका जवाब दुरुस्त है, माशाल्लाह। जी टीम भी सवाल है आपसे, कुरान पाक में अल्लाह पाक ने एक पहाड़ की कसम इरशाद फरमाई है, उस पहाड़ का नाम बताएं, जबले उहद, जबले नूर या जबले तूर? जबले तूर, जबले तूर। अच्छा फिर आप भी बता दें, जबले तूर, जबले तूर। और आपका जवाब माशाल्लाह। जी जबले तूर है, ठीक है, त्वा वाव रा, जबले तूर। प्यारे बच्चों ये वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को अपना कलाम सुनने का शरफ अता फरमाया, सुभान अल्लाह। जी अगला सवाल है आपसे,
بنی اسرائیل کس نبی علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اچھا، کہاں سے سنا ہے؟ ماشاء اللہ. جی حضرت یعقوب علیہ السلام. حضرت یعقوب علیہ السلام. چلے پھر آپ بھی بتا دیں. حضرت یعقوب علیہ السلام. جی ہاں، اور آپ کا جواب درست ہے. اللہ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سوال آ چکا ہے ٹیم بی کے لیے. کعبہ شریف کا طواف کون لوگ کرتے ہیں؟ مسلمان، غیر مسلم، تمام انسان؟ جی مسلمان. مسلمان. جی چلیں آپ بھی بتا دیں. مسلمان. مسلمان. اور ان سب کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. جی ٹیم اے سے اگلا سوال ہے، وہ کون سی جگہ ہے جہاں اسپیشلی قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے؟ کالج، مدرسہ یا اسکول؟ جی مدرسہ. مدرسہ. جی آپ بھی بتائیں. مدرسہ. جی ہاں، گلی گلی میں دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ کو کھول دیا ہے، تو آپ سب بھی وہاں جا کر علم دین حاصل کریں، قاعدہ بھی پڑھیں اور قرآن شریف بھی پڑھیں. آپ کا جواب درست ہے. سوال ہے آپ سے، یعنی کہ ٹیم بی سے. ایسے نہیں، ایسے نہیں. اچھا بی سے. چلیں سوال ہے آپ سے، سبز گنبد کا کیا مطلب ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ سبز گنبد کا کیا مطلب ہے؟ وائٹ گنبد، گرین گنبد یا بلو گنبد؟ گرین گنبد. گرین گنبد. چلیں آپ بھی بتا دیں. گرین گنبد. کہہ دیں. میرا جواب درست ہے. میرا جواب درست ہے. جی ہاں، ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم اے سے سوال ہے، ان بزرگ کا نام بتائیں جنہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے. بزرگ و سیاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. چلیں آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا، آپ بھی بتا دیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آپ کا جواب جی ماشاء اللہ، رجب شریف چل رہا ہے اور چھڑی شریف بھی آنے والی ہے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھڑی شریف بھی ہوتی ہے نا، ماشاء اللہ. جی سوال ہے ٹیم بھی آپ سے، مسافہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاتھ ملانا، گلے ملنا یا ہاتھ چومنا؟ جی سر، ہاتھ ملانا. ہاتھ ملانا. چلیں آپ بھی بتائیں. ہاتھ ملانا. ہاتھ ملانا. اور آپ کا جواب درست ہے. درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ٹیم اے بھی برابر رہی، ٹیم بی بھی برابر رہی. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حساب کتاب. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی ماشاء اللہ، سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. ٹیم اے سے کون آئے گا؟ چلیں آ جائیں آپ. ون پلس ٹو کتنے ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ چلیں پھر یہاں سے ایک چٹ اٹھائیں اور وہ لگا دیں. جی تھری، پکی بات ہے. اور آپ کا جواب درست ہے. چلیں اسلامی نسبت بتانے کے لیے کون آ رہا ہے؟ چلیں آپ آ جائیں. جی ماشاء اللہ، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کر پاتے ہیں یا نہیں. ون پلس ٹو کتنے ہو گئے؟ تھری. اور تھری سے کوئی اسلامی نسبت بتانی ہے نا، ٹھیک ہے. جی تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ میں ٹوٹل تسبیحات. اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. تین تسبیحات یہ ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر. یعنی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا ہوتا ہے، 33 مرتبہ الحمد للہ پڑھنا ہوتا ہے، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہوتا ہے. اس طرح یہ سوچ ہو جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے. جی تشریف رکھیں. جی ٹیم بی سے کون آئے گا؟ چلیں آ جائیں. سوال ہے 0+1، اللہ اکبر. جی آپ ڈھونڈ رہے ہیں 0+1، 0+1 ون ہوتے ہیں. کی بات ہے. اور آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ. چلیں آپ کسی ممبر کو بھیجیں جو آ کے اسلامی نسبت بتائیں. آپ خود بھیجیں، کسی ممبر کو بھیجیں آپ، جلدی سے بھیج دیں. چلیں آپ آ جائیں شاہین بھائی. چلیں شاہین بھائی بتا پاتے ہیں یا نہیں بتا پاتے، ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے تو ایک سے تو بہت ساری صورتیں آتی ہیں گاڑی صاحب، اما پارے کے اگر چوتھا پاؤ دیکھیں تقریباً صورتیں ایک رکو والی ہیں. جی سورہ فلق میں رکو. اور آپ کا جواب درست ہے.
है माशाल्लाह। टीम ए से कौन आएगा? 18 माइनस 4 माइनस 3। अच्छा चले आ जाए। देखते हैं क्या जवाब बताते हैं। पहले आप हिसाब लगा लें कि कितने होते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 13 माइनस 4 माइनस 3। जी 6 कह रहे हैं आप और आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। जी कौन आएगा? चले आप आ जाएं। जी 6 से इस्लामी नस्बत बहुत सारी आती हैं। एक तो मैं बता चुका छठी शरीफ आने वाली है, लेकिन ये 6 रजब को आने वाली है और एक दूसरे भी हैं जो छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, वो भी 6 हैं। ठीक है, वैसे मैंने तकरीबन तो पहुंचा दिया इनको, अगर मैं ज़्यादा पहुँचाऊँगा तो फिर भी पहुँच जाएंगे। अच्छा आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है, ढूंढने में मुश्किल हो रही है, ये तो बता दें। अच्छा चलो आपकी कुछ हेल्प कर देता हूँ। वैसे आपने सही तो उठाया हुआ है, यही लगाए ना, सही तो लगता है, कन्फ्यूज़ हो गए आप। अल्लाह चले लगाना भी मुश्किल हो रही है, चले मैं दोबारा आ जाता हूँ। चले माशाल्लाह आपने लगा दिया माशाल्लाह सुभानअल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त है अल्लाह की रज़ा के लिए सुभानअल्लाह माशाल्लाह। मशहूर कलमे कितने हैं? 6। जी टीम बी से कौन आएगा? आ जाए। 12 माइनस 9 कितने होते हैं? पहले हिसाब लगा लीजिए फिर आप आके चीट को लगा दीजिएगा। जी 3 सही गिरा। आपका जवाब दुरुस्त है सुभान अल्लाह। जी इस्लामी नस्बत के लिए आ जाओ आप आ जाओ। जी माशाल्लाह आप टीम बी के मेंबर ढूंढ रहे हैं। 12 माइनस 9 तो 3 होते हैं। अब 3 से इस्लामी नस्बत बतानी है आपने। कुर्बानी के दिन 3 होते हैं, जिसे हम पहली ईद दूसरी ईद तीसरी ईद कहते हैं। और आपका जवाब माशाल्लाह। तो प्यार बच्चों किड्स मदरसे के नाज़रीन अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फाइंड द मिसिंग लेटर। हमारा इस्लाम। जी टीम ऐसे कौन आएगा? चले आ जाए आप भी। जी के बाद आपने फिल करना है फिर ए आ गया, ए के बाद आपने फिल करना है फिर आई आ गया, आई के बाद भी आपने फिल करना है और लास्ट में ए लिखा हुआ है। आपने एच लगाया के एच ए क्या बन गया? फिर एल लगा दिया तो के एच ए एल आई। ये एफ भी लगा दी तो खलीफा हो गया। चलिए मैं आपको एक पॉइंट सुनाता हूँ, अगर ये लफ्ज उसमें आए ना तो अपना जवाब दुरुस्त समझ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इस्लाम के मशहूर खलीफा 4 हैं। पहले कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दूसरा खलीफा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आपका जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। जी टीम बी से कौन आएगा? आ जाए। एन के बाद फिल करना है, फिल करेंगे इसके बाद के लिखा है, के बाद भी फिल करना है। ई लगा दिया आपने तो नेक हो गया मेरे ख्याल से। चले अभी के बाद भी तो कुछ आएगा फिर पता चलेगा ये नेक है या कुछ और। वैसे के बाद कुछ आएगा या नहीं आएगा? आएगा। आपको किसने पता चला? अच्छा आपको पता है। चले फिर आपके साथी लगाते हैं नहीं लगाते देखते हैं। जी ये आई आपने ले लिया है, आप आई को प्रेस कर दें के बाद। आपने कहा नहीं की और आपका जवाब दुरुस्त है। कैसे दुरुस्त है? पहले मेरा पॉइंट तो सुना, अगर पॉइंट पे ये लफ्ज आ गया जवाब दुरुस्त है। ठीक है प्यारे बच्चों नेकी करना भी एक अमल है जिस पर मुसलमानों का सवाब मिलता है, जिसे पानी पिलाना, सुन्नत पर अमल करना, किसी की परेशानी दूर करना वगैरह, ये सब छोटी छोटी और आसान नेकियां हैं जिन पर अमल करके हम सवाब कमा सकते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। जी टीम बी से कौन आएगा? जी आ जाए।
टीम ए से आप आ गए हैं, देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। आर के बाद आप लोग कुछ स्पेस है, इसके बाद एच है, एच के बाद स्पेस है, स्पेस के बाद ई है। अब पता नहीं ई के बाद स्पेस है या नहीं है। इन्होंने ए भी लगा दिया, ये राह हो गया राह। जी ये तो राह ही बन गया। जी कुछ और भी लगाएंगे जी। अच्छा माशाल्लाह आपने एम भी उठा लिया है, ये तो फिर रहीम बन गया है ना। चलो देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है या नहीं है। प्यारे बच्चों अल्लाह पाक के नामों में से एक नाम रहीम भी है जिसका मीनिंग है रहम करने वाला, और आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। जी टीम बी से कौन आएगा, और कोई नहीं आएगा। अब आ जाओ, आई के बाद आप क्या लगा रहे हैं, एस माशाल्लाह। अब एज है एच, एस के बाद आप लगा रहे हैं जे। सोचिए आप दुरुस्त लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं। ये तो इश बन गया, ये ए लगा दिए कि इशा बन गया। सिर्फ पॉइंट सुनाता हूँ मैं, अगर इस पॉइंट में इशा का लफ्ज आ जाए ना तो इनका जवाब दुरुस्त है, वरना आपका जवाब गलत हो जाएगा। प्यारे बच्चों अल्लाह पाक ने मुसलमानों पर 5 नमाजें फ़र्ज की हैं, जिनमें से एक नमाज इशा की है, और नमाज इशा की 17 रकातें हैं, 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल 3 वितर और 2 नफिल, और आपका जवाब दुरुस्त है 2 नफिल। हर सहाबी ए नबी सब सहाबियात भी हजरत सिद्दीक भी और उमर फारूक भी उस्मान गनी फातिमा और अली है मुआविया भी और अबू सुफियान भी है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। तो प्यारे बच्चों हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा, मिलेंगे इंशाल्लाह अपने अगले एपिसोड में। जब तक आप अपना जरूर ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया।